दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की जो टेंडेंट लोगो चल रहा है, लोगो कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको काइनमास्टर ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस आइकन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर मान लो कि आप इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो तो 1.1 रेशो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने 16:9 रेशो सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ, बट अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, जो कुछ भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा इस वीडियो में, सब आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने वीडियो ऐड कर लिया हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ इस तरह का है। अब इसमें टैक्स लिखना है। ठीक है, तो आप टैक्स लिखने के लिए आप पिक्सल लैब भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पिक्सल लैब यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ काइनमास्टर से ही करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा कुछ सेकंड के लिए इस लेयर को दो हाथ से टच करके ऐसे बढ़ा लेना है। ठीक है, 9-10 सेकंड तक बढ़ा लेना है इसको ऐसे करके। इसके बाद आपको वो लोगो ले लेना है। ठीक है, तो लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, फिर वो लोगो ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम का ले लिया हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे छोटा करके तो अपने हिसाब से बैठा लेना इसको। ठीक है, तो देख सकते हो मैं अपना हिसाब से इसको बैठा दिया हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी को लोगों को बैठा दिया हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा ऐसे लंबा कर देना। ठीक है, करने के बाद इसको अब एनिमेशन लगाना, लोगो वाला पीक पे क्लिक करके इन एनिमेशन में जाना है, फेड रख देना है। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा टाइमिंग इसको 1.5 कर देना है। फिर यहाँ से ओके कर देते हैं, फिर दोबारा इसमें क्लिक करते हैं, आउट एनिमेशन में जाते हैं, फिर इसका फेड रख देते हैं, इसको भी सेम कर देते हैं 1.5। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब इसके ऊपर आपको टैक्स लिखना है। ठीक है, टैक्स लिखने के लिए आपको जाना है लेयर में, देन टैक्स में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे टैक्स लिख लिया हूँ। ठीक है, लिखने के बाद आपका ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट का लिखेगा जो स्टाइल है, वो स्टाइल को चेंज करना है। इसके लिए डबल ए पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फॉन्ट चुन लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऐसा फॉन्ट नहीं है तो यहाँ पे गेट मोड के क्लिक करने, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएगा आपको, देख सकते हो जैसा चाहिए आपको यहाँ से ले लेना। ठीक है, आपकी पसंद का। तो मैंने यहाँ पे ये वाला टैक्स सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, रेगुलर वाला, तो यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, तो इसको साइज को थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं। अब अपने हिसाब से बैठा देना, फिर इसको थोड़ा इस करके बड़ा कर देते। ठीक है, इसमें भी एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टैक्स पे क्लिक करने के बाद इन एनिमेशन में जाना है, फिर स्लाइड करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद राइट इसको रख देना है। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। फिर इसको टाइमिंग को 1.5 रख देना है, फिर यहाँ से ओके कर देना है। दोबारा टैक्स पर क्लिक करना है, नीचे आउट एनिमेशन में आना है, यानी कि सेलेक्ट करके नीचे आना है और स्वाइप लेफ्ट को रख देना है। ठीक है, फिर इसका भी टाइमिंग सेम रखना है 1.5, देन यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कैसा बना वीडियो, देख सकते हो कुछ इस तरह का बना है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको वीडियो लेयर से थोड़ा छोटा रखना है, टैक्स और इंस्टाग्राम लोगों को। ठीक है, इसी तरह से रख देना है, तो आपको कुछ इस तरह से मैच कर लेना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद स्टार्टिंग में आना है वीडियो की, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। मीडिया के जाने के बाद आपको एक फोटो
कलरफुल फोटो ऐड करना है इसमें, ठीक है। साइज को घुमा देते हैं इसको, यहाँ से इसको फुल स्कैन कर देते हैं, ठीक है। दिन यहाँ से ओके कर देते हैं और लेयर को यहाँ पे प्लेस करके थोड़ा सा वीडियो के बराबर कर देते हैं, ठीक है। देख सकते हो बराबर कर दिया, ठीक है। दुनिया से ओके कर देना है। ओके करने के बाद वीडियो की स्टार्टिंग पे आना है। कलरफुल जो फोटो लिया आपने उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे आते ही ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में क्लिक करना है। करने के बाद थोड़ा सा सेट करके नीचे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे क्लिक करना है। देन यहाँ से ओके कर देना है, फिर वीडियो को स्टार्ट करो। अब देख सकते हो कितना कलरफुल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन के, यहाँ पे वीडियो लोगो बन के आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको सेव और शेयर करने के लिए शेयर बटन में क्लिक करना है, यहाँ पे 720 रख के 30 रख के एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ये हो गया। तो यहाँ पे ये जो टैक्स है, टैक्स भी आपको कलरफुल नज़र आ रहा है। अगर इसको टैक्स को सिर्फ सफ़ेद रखना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कुछ भी काम किया आपने सबको पहले कर लेना है, ठीक है। करने के बाद सबसे लास्ट में आपको ये जो टैक्स है, टैक्स को बाद में लिखना है, ठीक है। तो टैक्स को हम डिलीट कर देते हैं, टैक्स को डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। दोबारा इसको टाइप करते, ठीक है। लेयर में जाना है, टैक्स में जाना है, यहाँ पे फिर लिखना है आपको, जैसे मैंने अभी मेरा YouTube का जो चैनल है, चैनल का नाम लिखा हूँ, ठीक है। और टैक्स को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेयर से थोड़ा सा छोटा रखते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे जो आपने Instagram का लोगो लिया था तो इसको डिलीट कर देना है। आपको YouTube वाला जो लोगो है वो ले लेना है, ठीक है। तो YouTube वाला लोगो ले लेते हैं, सेम प्रोसेस है। लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। मैंने YouTube का जो लोगो है लोगो ले लिया, इसको प्लेस करके बड़ा कर देते हैं, दुनिया से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद थोड़ा सा ये सेंटर में रखते हैं, कनेक्ट करने के बाद लोगो को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। छोटा करने के बाद मैच करके इसमें बैठा देना है, ओके। इन एनिमेशन में जाना है, फेड रख देना है और इसका भी सेम रखना है 1.5, दिन ओके कर देना है। फिर दोबारा क्लिक करना है, आउट एनिमेशन में जाना है, आउट एनिमेशन में जाना है, फिर फेड में क्लिक करना है, इसका भी टाइमिंग 1.5 रख देते हैं, धनिया से ओके कर देते हैं, ठीक है। और टैक्स में क्लिक करते हैं, टैक्स में क्लिक करने के बाद इसको अपनी तरीके से मैनेज कर लेना, तो इन एनिमेशन में जाना है, इसमें भी फिर वाइफ राइट करके इसका भी 1.5 टाइमिंग रख देना, देन यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। दोबारा क्लिक करना है, आउट एनिमेशन में जाना है, नीचे ना स्लैप करके वाइफ लेफ्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे करके कोई सा भी प्लेटफॉर्म का आप ऐसे ये ट्रेंडिंग लोगो बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आए, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो इसको सेव और शेयर करने के लिए शेयर बटन में क्लिक करना है, 720 और 30 रख के एक्सपोर्ट कर देना है। फिर मिलते हैं अगला एक नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, सुस्त रहना, जय हिंद।